अब बात करेंगे उन्नत झारखंड की। गोड्डा में सरकार की तरफ से वाटर एटीएम लगाया गया है, जिससे महज कुछ सिक्कों की बदौलत कोई भी मिनरल वाटर ले सकता है। ये वाटर एटीएम 24 घंटे लोगों की मदद कर रहा है। रघुवर सरकार की कोशिश से आज सूबे के हर गांव, हर शहर तक पानी पहुंच रहा है। सरकार की पहल से आज पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। रघुवर सरकार की पहल से गोड्डा में वाटर एटीएम प्लांट लगाया गया है। गोड्डा में 3 वाटर एटीएम प्लांट लगाए गए हैं। वाटर एटीएम प्लांट के जरिए सिक्का डालने पर 1 लीटर पानी मिल जाता है, जो कि शुद्ध होता है, जिससे बीमारियों का भी किसी तरह का खतरा नहीं होता। वहीं सरकार की तरफ से एक स्मार्ट कार्ड भी लोगों को दिया जाता है, जिसके जरिए 20 लीटर तक पानी निकाला जा सकता है। एटीएम कार्ड मिला अंदर से, विभाग की तरफ से एटीएम और सिक्का से भी निकल रहा है पानी। सिक्का से भी पानी निकल रहा है, इसमें निकलता है 7 घंटे का पानी। इस पहल से यहाँ के वासियों को, गोड्डा के टाउन के वासियों को अच्छा सुविधा मिल रही है। स्मार्ट कार्ड के 7 लीटर 7 रुपया में 20 लीटर पानी और 21 रुपया लीटर पानी, जो 1 लीटर पानी मिल रहा है, वो राम मुसाफिर के लिए बहुत फायदे की चीज़ है। क्योंकि राम मुसाफिर को गर्मी में प्यास लगने के बाद वो 12 या 15 रुपया में बोतल खरीदना पड़ता है, जहाँ 1 रुपया लीटर पानी पीके अपना प्यास बुझा लेता है। वाटर एटीएम लगने से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। अब तक शहर के लोगों ने यहाँ से 25,000 लीटर पानी को निकाल कर इस्तेमाल किया है। लोगों के मुताबिक सरकार की इस योजना से लोगों को काफी फायदा हो रहा है। शहर में महंगे बिकने वाले मिनरल वाटर से लोगों को मुक्ति मिल गई है। सरकार की पहल से लोगों को कम कीमत पर शुद्ध पानी मुहैया कराया जा रहा है। पानी की सुविधा बहुत अच्छी हो गई और जितनी भी काला बाजारी जो भी पानी की चल रही है ना, जैसे सारी कंपनी जो है 30 रुपए करके बेच रहे हैं पानी, इससे पूरे गरीब जनता को फायदा हो रही है यहाँ। यही नहीं, सरकार की कोशिश है शहर के अलग अलग इलाकों में और वाटर एटीएम लगाए जाए, जिससे लोगों को किसी भी तरह के पानी की समस्या ना हो, साथ ही लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।